लत हिंदू ग्रीक की लगी है, बोली वागे स्वरधाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। कृषि उपज मंडी बारा राजस्थान के अंदर आज का दिव्य दरबार है। आज 4 सितंबर का महादिव्य दरबार सीकर के अंदर कृषि उपज मंडी के अंदर आप सभी धर्म प्रेमी जो सज्जन हैं, बागेश्वर धाम के जितने भी भगत हैं और हमारे चैनल से जो भी भगत जुड़े हुए हैं, उन सभी भक्तों को सूचना दी जा रही है कि सीकर का जो दूसरा महादिव्य दरबार है, कृषि उपज मंडी बारा राजस्थान, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है ये, वहाँ पे आप आइए। आज का वैसे तो एक दिवसीय महादिव्य दरबार था, लेकिन वहाँ की प्रार्थना रखने पर आज एक दिवसीय एक कार्यक्रम और बढ़ा के आज दूसरे दिन की कथा भी होगी और साथ में महादिव्य दरबार चंद ही मिनटों में शुरू होने जा रहा है। कृषि उपज मंडी बारा राजस्थान के अंदर, बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान का आज महादिव्य दरबार लगेगा सीकर में। सीकर के अंदर महादिव्य दरबार है गुरुदेव भगवान का। सीकर के घोरिया स्टैंड, सीकर के घोरिया स्टैंड के पास कहारों की ढाणी, कहारों की ढाणी के पास ये हाईवे रोड के बिल्कुल पास में महादिव्य दरबार गुरुदेव भगवान का लगा हुआ है। परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है राजस्थान के लोगों के लिए, क्योंकि राजस्थान की ऐसी भूमि है, राजस्थान की ऐसी धरा है जहाँ पे आपको हर जिले के अंदर कोई ना कोई सिद्ध कोटि के महापुरुष की आपको कहानी मिल जाएगी, आपको कथा मिल जाएगी। सालासर के अंदर और मेहंदीपुर के अंदर, झुंझुनू के अंदर जितने भी हमारे देव हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज हुए, श्याम जी महाराज हुए, हनुमान जी महाराज हुए, इसके साथ साथ जितनी सतियों के मंदिर हैं, इनके मंदिर के साथ साथ गोगा पीर जी महाराज, रुणीचे के हमारे देव रामदेव जी महाराज और गुरु गोरखनाथ टीला, इसके साथ साथ गुरु गोरखनाथ टीले के ऊपर तो देश नहीं पूरे विदेशों से लोग आते हैं, वहाँ ऐसी तपोभूमि है। ये है एक जगह की बात नहीं करते, पूरे राजस्थान की बात करते हैं। और सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा, जब सन्यासी बाबा ने तपस्या की तो हनुमान जी महाराज की सालासर और मेहंदीपुर पावन धाम ऐसे हैं हनुमान जी महाराज के जो राजस्थान के अंदर हैं। तो सीकर के ये जो कहारों की ढाणी है, इसमें आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन आमंत्रित हैं। महादिव्य दरबार गुरुदेव भगवान का बहुत ही सुंदर महादिव्य दरबार एक दिवसीय लग चुका है। आ जाइए गुरुदेव भगवान का सानिध्य उनके दर्शन करने हेतु। इसके साथ साथ आपका पर्चा भी बन सकता है, आपको बुलाया भी जा सकता है, आपका समाधान भी किया जा सकता है। लेकिन तीन दिवसीय महासत्संग का महा आयोजन है, इसके अंदर सभी धर्म प्रेमी सज्जन आमंत्रित हैं। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लगता है इसके भी। वैसे तो गुरुदेव भगवान की कथा होती है, कार्यक्रम होता है, वहाँ पूरे भारतवर्ष के ही पागल पहुँचते हैं, भक्तगण पहुँचते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर पंडाल सज चुका है। कल से ही लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली, लगभग 10-20 हजार लोग। पंडाल बना नहीं था तभी से आके पंडाल के अंदर बैठ गए थे। खाने पीने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, आपके रहने की व्यवस्था, सारा जो व्यवस्था है बहुत सुचारू रूप से लोगों ने की है। गुरुदेव भगवान की सिक्योरिटी के लिए अलग से 70-80 बाउंसर जो साथी हैं, भक्तगण हैं, उनको भी बुलाया गया है। वैसे राजस्थान के अंदर ऐसे कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं होता कि कोई भगदड़ मचे या ऐसा हो। शांत स्वभाव के लोग होते हैं, आराम से सत्संग का महा आयोजन सुनते हैं। कई कई जगह पे देखते हैं कि थोड़ी सी भगदड़ मचते ही लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग कहना तो नहीं चाहिए, बहुत चतुर होते हैं और होना भी चाहिए। स्याणा चतुर समझदार, चतुर नहीं बोल सकते हम, समझदार लोग बोलेंगे। समझदार लोग होते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कोई भी किसी
किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी। लाइटों की पानी की व्यवस्था है, घूमने फिरने के लिए और पंडाल के लिए तो राजस्थान की धरा भूमि ऐसी है, पूरे भारत की सबसे बड़ा स्टेट है और इसके अंदर जगह भी पूरी खुली हुई है। ढाणियों के पास आइए, काकड़ी लगी हुई है, मतीरे लगे हुए हैं, उनका भी आनंद लीजिए। आइए हमारे राजस्थान के अंदर घूमिए, यहाँ पे देखिए, आपको गुरुदेव भगवान के साथ साथ वहाँ की प्रकृति का आनंद लीजिए। वहाँ अभी फिलहाल जो वातावरण है, फसल तैयार है, पक्के मतीरे मिलेंगे, ककड़ी मिलेगी, काचरी मिलेगी आपको, सभी प्रकार के राजस्थान के जो व्यंजन है वो पक्के बिल्कुल तैयार है। तो दिव्य दरबार के साथ गुरुदेव भगवान का सत्संग सुनिए, अपनी बीमारियों का समाधान कराइए। किसी भी भगत के किसी भी प्रकार की लाग लपेट है, ऊपरी प्राई है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है कोई समस्या, व्यापार की समस्या है, घर गृहस्थी की समस्या है, नेगेटिविटी की समस्या है, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे वो समस्या है, कोई काम धंधा आपका सेटल नहीं हो रहा वो समस्या है, और आपके घर के अंदर नेगेटिव विचारों की विचारधारा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है वो समस्या है, सास बहू की नहीं बनती वो समस्या है, किसी भी बहन की कोई तकलीफ है, किसी भी कारणवश की कोई भी तकलीफ है, तो उन तकलीफ का महादिव्य दरबार है गुरुदेव भगवान का। और किसी का व्यापार नहीं चलता है, फैक्ट्री के अंदर आमदनी नहीं हो रही है, बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस करते हैं उसके अंदर घाटा आ रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा आपके, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन चीजों के लिए वहाँ पे आपकी बैटरी फुल की जाती है, वहाँ पे वरदान मिलता है, क्योंकि सिद्ध कोटि के महापुरुष और उनकी विचारधारा, उनके मुखारविंद से निकली हुई बातें आपके शरीर के अंदर घुसती हैं। घुसने के बाद आपकी बुद्धि जो डैमेज हो चुकी है उसकी सही तरीके से मरम्मत की जाती है, मरम्मत की आपको पता लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे मोटे मोटे समाधान बताए जाते हैं। इस दिव्य पाठ का आप आयोजन कीजिए, यह कार्य कीजिए, बुद्धि काम नहीं करती, जब दिमाग के ऊपर प्रेशर हो जाता है, हैवी हो जाता है, घर के अंदर नेगेटिविटी ऐसी फैल जाती है, तो बुद्धि इस्तेमाल करना ही दिमाग बंद कर देती है। उस बुद्धि के सही तरह से चार्ज करने के लिए महादिव्य दरबार लगाया जाता है। तो आइए अपनी बुद्धि को सही करने के लिए, धन दौलत के लिए अगर आपकी बुद्धि सही हो जाएगी तो आपको सारी चीजों का समाधान हो जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी। बुद्धि के साथ साथ ही सारी चीजें आती हैं। सबसे बड़ी दुनिया की चीज है वो बुद्धि है, उसको ठीक करने का यह महादिव्य दरबार है कि आपकी बुद्धि कैसे ठीक होगी। तब गुरुदेव भगवान अपना तप देके अपनी जो तपस्या उसके प्रभाव से आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है, आपके अंदर जो विकार विषय भोग वगैरह वगैरह बीमारियां, ये भूत प्रेत की बीमारियां लगी हुई है उसको मिटाएंगे अपना तप देके, और आपको समाधान बताएंगे भाई इतने दिन के लिए तो ये काम करेंगे, 5-10 दिन के लिए आप इन इन दिव्य मंत्रों का उच्चारण कीजिए, ये समाधान कीजिए अगर लंबा इलाज चाहते हैं तो, नहीं तो 10-15 दिन बाद में फिर चिपक जाएंगे चीजें। इसलिए ये समाधान के लिए महादिव्य दरबार लगाया जाता है। तो गुरुदेव भगवान आए हुए हैं, पावन संतों के सानिध्य में बैठकर सत्संग सुनिए, सत्संग का आनंद लीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान कराइए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग के अंदर सत्संग बहुत दुर्लभ है, इसको सुनना चाहिए। कैसा भी हो, कैसा भी सत्संग हो, सत्संग के अंदर आप जाओगे तो सत्संग के अंदर कुछ ना कुछ चीज बड़ी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं कि सारी चीजें बकवास मिलेगी, नहीं नहीं नहीं, 5-10 वैसे तो सत्संग के अंदर बकवास होती नहीं, सत्संग तो रियल में सत्संग होता है, संतों का सत्संग होता है, शास्त्रों की बातें होती हैं, संतों की ही बातें होती हैं, वहाँ कोई अपनी बातें नहीं होती, शास्त्रों की बातों को वहाँ पे बताया जाता है और उन्हीं ऋषि मुनियों की जो बातें हैं उनको उन्हीं के द्वारा, उन्हीं मंत्रों के द्वारा आपका समाधान किया जाता है। तो ये कहारों के ढाणी के पास सिक्कर के अंदर गुरुदेव भगवान राजस्थान में पहुंच चुके हैं। आइए गुरुदेव भगवान के सानिध्य में सत्संग सुनिए, महादिव्य दरबार का आनंद उठाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश दिव्योक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंत निवार सुमति
के संग कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र को ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सो